हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमलेश संधु। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दिखाती हूँ आपको लाल मिर्च जो मैं मार्केट से चुन चुन के लेके आई हूँ अचार बनाने के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी मोटी अचार की मिर्च है ये, जो आजकल सर्दियों में ही मिलती है, इसलिए आजकल इसका अच्छा मौसम होता है अचार डालने के लिए। तो बना लेते हैं एक चटपटा सा टेस्टी सा अचार। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। ये देख रहे हैं आप, लाल मिर्च एक भी कटी फटी या गली नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी मिर्च होनी चाहिए। इन्हें अच्छी तरह गर्म पानी से धो के, गुनगुने पानी से, बहुत गर्म नहीं, एकदम सुखा लेना चाहिए। पंखे के नीचे डाल दीजिए, एक डेढ़ घंटे में ये एकदम सूख जाएंगी बढ़िया सी। लेकिन ध्यान रहे, भरने से पहले हम इसे धूप में नहीं सुखा सकते। तो मैंने ये 1.25 किलो लाल मिर्च ले ली है। अब मसाले की तरफ चलते हैं। या तो आप मसालों को अच्छी तरह साफ करके धूप में सुखा लीजिए, नहीं तो आप कढ़ाई में भी ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ आप ट्राई कर सकते हैं। मॉइस्चर खत्म हो जाता है इससे और ये कुरकुरे हो जाते हैं और अच्छी तरह पीस पाएंगे मसाले। ये अगर सीले हुए होंगे तो ये अचार को खराब कर सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम सौंफ लेकर सिम फ्लेम पर इसको भून लिया है। बहुत नहीं भूनना है, बस जब तक इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए और कुरकुरे हो जाए तब तक इसे सिम पर ही भूनते रहिएगा। 2-3 मिनट लगेंगे आपको और फिर इसने उतार लीजिएगा। जैसे ही ये ठंडे हो जाए इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं, एकदम सूख चुके हैं। मैं इन्हें उतार लूंगी और ठंडा होने का इंतजार करूंगी। मैंने 100 ग्राम राई ले ली है, इसे भी मैं हल्का सा भून लूंगी ताकि मॉइस्चर खत्म हो जाए और ठंडा कर लूंगी। इसी तरह मेथी, जीरा और हींग को भी भूनना है और सभी मसालों को ठंडा करना है। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा ले लिया है, 1/4 टीस्पून हींग और इन्हें भी भूनूंगी। सभी मसालों को अलग अलग भूनना है क्योंकि सबका भूनने का टाइम अलग अलग है। कोई मसाला थोड़ी ज्यादा देर लेता है, कोई मसाला जल्दी भून जाता है, इसीलिए सभी मसालों को अलग अलग भूनना है। इस तरह हम थोड़ी देर कलौंजी को भी भून लेंगे, लेकिन इसे पीसना नहीं है। जब तक मसाले ठंडे होते हैं हम अपनी मिर्चें तैयार कर लेते हैं। ये ऊपर से डंठल उतार कर अंदर से खाली करना है, इसका गुद्दा और बीज दोनों बाहर निकालने हैं। बीज को हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन गुद्दे को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए ये खाली करना है इस तरह, बस ऊपर से डंठल उतारना है, काटनी नहीं है। यहीं से हम मसाले भरेंगे इसमें। इसी तरह सारी मिर्चें तैयार कर लेनी है। अब मसाले पीस लेते हैं। ये मैंने धनिया और सौंफ पीस लिया है। सब मसाले दरदरे पीसने हैं, ध्यान रखना। इस तरह देखिए सभी मसाले हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने बीज भी इसमें मिला लिए हैं जो मिर्ची से निकाले थे, जीरा पाउडर और हींग भी मिला दी है। मैंने सेंधा नमक 2 टेबल स्पून, व्हाइट नमक 2 टेबल स्पून, आमचूर 3 टेबल स्पून, हल्दी 2.5 टेबल स्पून, मेथी 50 ग्राम। सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लेंगे। इसके लिए हमें 4 करछी सरसों का तेल चाहिए। उसे पहले हीट कर लेंगे और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा ठंडा हो गया है और हम इसे मसाले में मिला देंगे। अब सरसों का तेल, तेल को अच्छी तरह मसल मसल के मिला देंगे मसाले में। और ज्यादा तेल का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है, देखिए बिल्कुल बस हमारा मसाला ही ऑयली हुआ है, चिपचिपा नहीं हुआ है। सभी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। आइए भरते हैं मिर्चों में मसाला।
इस तरह हम सभी मिर्चों में ऊपर से ठूस ठूस कर मसाला अंदर भरेंगे ताकि कोई एयर इसके अंदर ना रुक सके। इससे हमारी मिर्चें खराब नहीं होंगी। इस तरह हमने सारी मिर्चें भर ली हैं। ये देखिए बचा हुआ मसाला ऊपर से हमने डाल दिया है। अब ऊपर से हम तेल डालेंगे। मैंने दो डब्बों में मिर्ची भरी हैं क्योंकि मेरे डब्बे छोटे थे, इसलिए दोनों में मैं दो दो करछी तेल डाल दूंगी ताकि मिर्चें खराब ना हो पाए। ये अचार लंबे टाइम तक चलने वाला है, जल्दी से खराब नहीं होगा। दो तीन दिन इसे धूप में रखने के बाद ये तैयार हो जाएगा और इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है हमारा लाल मिर्ची का अचार। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।